हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हैं और बेबी स्वेटर में भी आप इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स। से इस डिज़ाइन के लिए हमने क्या करना है, साइड साइड में हमने तीन फंदे रखने हैं, एक फंदा एक्स्ट्रा, एक फंदा दो फंदे डिज़ाइन के, क्योंकि इधर हमने आधा ही डिज़ाइन बनाना है साइड में। उसके बाद हमने छः फंदे बीच में रखने हैं, डिज़ाइन के लिए चार फंदा, बीच में छः फंदा, इन्हीं चार फंदों में हमारा डिज़ाइन बनना है। चार फंदा डिज़ाइन के, छः फंदा सीधा बना लेंगे। और साइड में आधा डिज़ाइन बनना है तो साइड में हमने तीन फंदे रखने हैं, एक एक्स्ट्रा और दो डिज़ाइन के लिए। इस तरह से बन के आएगा फ्रेंड्स। से काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन लेडीज़ कार्डिगन के लिए आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर डिज़ाइन है। बैक साइड इसका इस तरह से बन के आएगा। आइए सीखते हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो एक्स्ट्रा फंदा सीधा बना लेंगे। अब इधर हमने क्या करना है, इस फंदे को इधर लाना है, इसको हमने इधर लेंगे, इधर हमारा आधा डिज़ाइन बनेगा, तो इधर हमने इसको अंदर की तरफ ले लेना है। इस फंदे को हमने इस तरफ से अंदर की तरफ ले लेना है। इसके बाद दो फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो। दो फंदे सीधे बनाने के बाद छह फंदे बीच में सीधे बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ। अब बीच में हमने डिज़ाइन के लिए चार फंदे रखने हैं, तो बीच में हमने क्या करना है, इस फंदे को, सेकंड वाले फंदे को पहले हमने उल्टे हाथ की सिलाई में रखना है और फर्स्ट वाले फंदे को उल्टे हाथ की सिलाई में रखना है, सॉरी, सेकंड वाले फंदे को हमने सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे और इन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे, एक दो। इधर हम पहले सेकंड वाला फंदा बना लेंगे, उल्टे हाथ की सिलाई में इसको रखेंगे, इसको भी सीधा बना लेना है। इन्हीं चार फंदों में हमने डिज़ाइन शुरू करना है। साइड में हमने एक फंदा आधा डिज़ाइन बनेगा, तो हमने साइड में दो फंदे रखने हैं, बीच में हमने डिज़ाइन के लिए चार फंदे रखने हैं, बीच में छह फंदे रखने हैं, छह फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ। इसके बाद हमने छह फंदा सीधा रख देंगे, चार फंदा बनाने के बाद एक दो तीन चार पाँच छह फंदा बीच में सीधा रखना है। अब इधर हमने इस फंदे को सीधे हाथ की सिलाई में रखना है और इसको हमने उल्टे हाथ की सिलाई में रख के इन दोनों फंदों को सीधा बना लेंगे, एक दो, साइड वाला फंदा भी सीधा बना लेना है। डिज़ाइन की फर्स्ट रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो एक दो, अब इसमें हमने, सॉरी, पहला एक्स्ट्रा फंदा तो हमने उल्टा बना लेना है और अब ये वाला फंदा है, सेकंड वाला फंदा, इसमें हम दो बार धागा इस तरह से घुमा लेंगे। फिर आठ फंदा हमने उल्टा बना लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। इन दोनों फंदों में आठ फंदा उल्टा बनाने के बाद नौवें फंदे में हमने इस तरह से धागा लपेट लेना है दो बार, इधर भी हम दो बार धागा लपेट लेंगे। फिर आठ फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात ये आठ।
अभी जो फंदा है, नौवां फंदा है, इसमें हमने इस तरह से दो बार धागा लपेट लेंगे, साइड वाला फंदा उल्टा बना लेंगे। सेकंड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है डिज़ाइन की, थर्ड रो ऐसा फंदा तो हमने सीधा बना लेना है। अब इधर क्या करना है, हमने दो फंदा इस तरह से ले लेंगे, सीधे हाथ की सिलाई से हमने दो फंदा ले लेना है, उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को इस तरह से ले लेंगे, वापस उल्टे हाथ की सिलाई में रखेंगे और इन तीन फंदों को सीधा बना लेंगे, एक दो ये तीसरा फंदा। फिर इस यहाँ हमने चार फंदे सीधे बना लेने, एक दो तीन ये चौथा फंदा। इधर हमने क्या करना है, इधर धागा लपेट रखा है, ये दो फंदे, अब इसको हमने इस तरफ लेना है। पहले हमने उल्टे हाथ की सिलाई से इन दोनों फंदों को ले लेंगे, सीधे हाथ की सिलाई से इसको इस तरह से लेके इन तीन फंदों को सीधा बना लेंगे, एक दो तीन। अब इधर हमने क्या करना है, पहले इन दोनों फंदों को सीधे हाथ की सिलाई में रखेंगे, फिर उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को ले लेंगे और फिर इन तीन फंदों को भी हमने सीधा बना लेना है, एक दो तीन। चार फंदा सीधा बना लेंगे, एक दो तीन। अब इधर हमने क्या करना है, तीन ये चौथा फंदा, ये रोल किया है और इसको हमने पहले उल्टे हाथ की सिलाई से पहले इन दोनों फंदों को ले लेंगे, फिर सीधे हाथ की सिलाई से इस फंदे को ले लेंगे, फिर इन तीन फंदों को सीधा बना लेंगे, एक दो तीन ऐसा फंदा, इसको भी हमने सीधा बना लेना है। थर्ड रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फोर्थ रो रॉन्ग साइड उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे, अब इधर भी हम धागा इस तरह से घुमा लेंगे दो बार, आठ फंदा बैक साइड से हमने आठ फंदा बना लेना है, एक दो तीन चार पाँच छ, ये सातवां फंदा और ये आठ फंदा उल्टे बना लेने हैं। इसके बाद इन दोनों फंदों में हमने दो बार धागा इस तरह से धागा, नौवे और दसवें फंदे में हमने इस तरह से धागा लपेट लेना है। आठ फंदा उल्टा बनाने के बाद दो फंदों में हमने धागा लपेट लेना है, इसके बाद आठ फंदा फिर हमने उल्टा बना लेना, एक दो तीन चार पाँच छ सात ये आठवां। इधर ये नौवां फंदा है, इसको हमने साइड में दो बार धागा लपेट लेंगे, ऐसा फंदा उल्टा बना लेना। इधर हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो चुकी है, फिफ्थ रो, फिफ्थ रो में भी हमने ऐसा फंदा तो सीधा बना लेना है। अब इधर हमने क्या करना है, एक दो तीन, पहले हमने सीधे हाथ की सिलाई से तीन फंदे इस तरह से ले लेंगे, फिर उल्टे हाथ की सिलाई से इस फंदे को ले लेना है, वापस उल्टे हाथ की सिलाई में रख के इन सब को सीधा बना लेना है, एक दो तीन और ये चौथा। इधर फिर हमने दो फंदा पहले हम सीधा बना लेंगे, पहले हमने चार बना है, अब इसके बाद दो फंदा हमने सीधा बना लेना है। अब ये रोल किया हुआ है और ये तीन फंदे हैं, अब इसको क्या करना है, पहले उल्टे हाथ की सिलाई से इन तीन फंदों में उल्टे हाथ की सिलाई में ले लेंगे और इसको हमने सीधे हाथ की सिलाई में लेके इस तरह से इन सारे फंदों को सीधा बना लेना है, एक दो तीन चार इस तरह से। इधर हमने क्या करना है, पहले सीधे हाथ की सिलाई से इन तीन फंदों को इस तरह से ले लेंगे, उल्टे हाथ की सिलाई से इसको इस तरह से लेना है, वापस इनको पहले हमने उल्टे हाथ की सिलाई में रखना है और इन चार फंदों को सीधा बना लेना, एक
दो, तीन, ये चौथा। दो फंदा बीच में हमने सीधा बना लेना है। अब ये रोल किया है, ये एक दो तीन, पहले हमने दो बार किया था, एक बार किया था, फिर दो बार, अब ये तीसरी बार, एक दो तीन। हमने क्या करना है, पहले उल्टे हाथ की सिलाई से इन तीन फंदों को इस तरह से ले लेना है। सीधे हाथ की सिलाई से इस फंदे को हमने आगे की तरफ इस तरह से लेके इन सब फंदों को सीधा बना लेना है। रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स रो रॉन्ग साइड, पूरी रो हमने उल्टा बना लेना है। सिक्स रो का डिजाइन है फ्रेंड्स से, इन्हीं सिक्स रो को हमने बार बार रिपीट करना है। सिक्स रो रॉन्ग साइड, पूरी रो उल्टा बना लेंगे। इस तरह से बन गया है फ्रेंड्स से, इस तरह से बन गया है ये डिज़ाइन। इसके बाद हमने फर्स्ट रो की तरह इधर लेना है। अब इधर बनेगा डिज़ाइन हमारा, एक लाइन में बना के बताती हूँ। अब इस बार हमने क्या करना है, चार फंदा सीधा बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार। अब इन चार फंदों में, ये दो फंदे हैं, एक और ये एक, इन चार फंदों में हमने एक एक फंदों का मोड़ बना लेना है इस तरह से। इधर हम पहले इस फंदे को बना लेंगे और फिर इस फंदे को बना लेंगे। इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स से, छह फंदे बीच में, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। अब इधर भी हमने एक एक फंदों का मोड़ बना लेना है। इधर पहले हमने इस फंदे को इस तरह से ले लेना है और इन दोनों फंदों को सीधा बना लेना है। इधर बाद में चार फंदे सीधे बना लेंगे। इस तरह से बन गया है फ्रेंड से, फिर सिक्स रो तक हमने ये रिपीट करना है। इस तरह से बन जाएगा। आप इस डिज़ाइन को लेडीज़ कार्डिगन में अप्लाई कर सकते हैं और बेबी स्वेटर में भी आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। पूरा बन के ये इस तरह से दिखेगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।